मिस्टेक नंबर वन अटेम्प्टिंग टू मेनी मॉक्स इन द लास्ट टू मंथ्स स्पेशली वेल प्रिपेयर स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत वेल प्रिपेयर हूँ आई शुड अटेम्प्ट एवरी डे वन मॉक एंड दैट विल हेल्प मी प्रिपेयर बेटर किसी टॉपर ने बोला था फोर्टी मॉक्स अटेम्प्ट करने सो so कोटा

टॉपिक्स एंड गोइंग बैक टू दोपिक वेर यू आर नॉट स्कोरिंग वेल तो वो सब के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा इसलिए द मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज अ मॉक एंड ऑल्टरनेटिव डे वो आप मैक्सिमम कर सकते हो एवरी डे वन मॉक इज डेफिनेटली अ नो ब्रेनर आपको वो डेफिनेटली ट्राई नहीं करना चाहिए मिस्टेक नंबर टू इज ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट वन वे पीपल फोकस लॉर्ड प्रेपरेशन एंड नॉट ऑन मॉक्स और एग्जाम्स एस्पेशली दो आर वेरी अंडर प्रिपेयर थिंक दैट पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मॉक्स अटेप करूंगा अच्छे से बट रिमेंबर दिस इज नॉट गोइंग टू एवर टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम यू विल फील दैट आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मैंने कैट दो बार दिया था इवन टिल द लास्ट डे आई यूज टू फील दैट मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है

Irrespective of your preparation, start attempting the mocks. मिस्टेक नंबर थ्री इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक जब भी कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है आपका मार्क्स में सपोज कोई का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आप फुल अल्जेब्रा पोर्शन रिवाइज करने चले जाते हो आप सोचते हो कि शायद मैं अल्जेब्रा भूल चुका हूं इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं वो क्वेश्चन बट द रियलिटी इज नॉट दिस आप फुल अल्जेब्रा रिवाइज करने मत जाओ जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मिस हुआ था उसका कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लो इट विल टेक यू अराउंड अराउंडी मिनट्स एंड दैट इज इट आप अगर फुल फुलजेब्रा रिवाइज करने जाते हो अगर आपने पहले कोई फॉर्मुला बुक लिखा हुआ है देन इट शुड टेक यू मैक्सिमम 30

All in 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds respectively, and this is very very important for Quant. Similar strategies planned here for LRDI and Verbal this year as well. The fees is 4999 for these workshops and you can find the link to enroll in my description as well as in the pinned comments. So do check it out mistake number four is not solving previous year questions. for those who cat paper, make a question to repeat the yoga to cat previous year paper. We have mocks a source solve questions. this is for sure that uh, questions are not going to be repeated in the cat paper. but same concepts your question definitely repeat hai. and the kind of understanding that you will have from solving previous year paper about the level of question paper, about the concepts of question being asked, that is unmatched. and that that cannot be replicated through the mock.

थिंकिंग दीज क्वेश्चन इट्स ओनली फॉर योर प्रेपरेशन आप बस कैट में थिंग्स इंटरव्यू सीज एवरी यूर प्रेपरेशन एंड बस वो कैट के बाद फोकस करते हैं यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल कम बैक टू दिस आफ्टर योर कैट एग्जाम एंड वी विल डील विद ऑल दोंगस अभी नेक्स्ट टू मंथ में आपका बस फोकस होना चाहिए ऑन योर कैट प्रेपरेशन मॉक्स दो एग्जाम दो बस आप पर्सन टाइल फोकस करो स्टे नंबर सिक्स इज गिविंग मॉक्स एट रैंडम टाइम ऑफ द डे बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रीवियस मंथ्स में बिकॉज ऑफ योर जॉब बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स आप यूजुअली कभी लेट नाइट अटैम्प्ट करते हो मॉक कभी बहुत अर्ली मॉर्निंग कर लेते हो अटैप्ट वॉक बट अब आपको वो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी एक्टिव एट द टाइम दैट यू नीडेड द मोस्ट नाउ आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको अपना स्लॉट पता चल जाएगा सो so वीकेंड्स में ट्राई करो इवन इफ यू डू नॉट गेट टाइम ड्यूरिंग द वीक डेज वीकेंड्स में उसी टाइम पे जब आपका कैट एग्जाम है उस टाइम पे मॉक्स देने का ट्राई करो बिकॉज देन दैट विल ट्रेन योर माइंड टू बी एक्टिव एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड ये काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके कैट एग्जाम में सो ट्राई टू मेक अ गुड स्केड

कैट देते हैं थ्री लैक कैंडिडेट्स ये मॉर्क्स देते हैं ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड कैंडिडेट्स एंड दीज द मोस्ट सीरियस कैट एस्पिरेंट्स तो यहाँ पर अगर आप फिफ्टी परसेंटाइज भी स्कोर कर रहे हो यू विल डेफिनेटली डू वेरी गुड इन द कट एग्जाम बिकॉज आपका जो मेन कॉम्पिटिशन है वो आपके साथ ये कट एग्जाम में है रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट कैट सो आप बहुत हाई स्कोर करोगे इन योर कैट कंपेयर टू दिस मॉक परसेंटाइल सो ये बात ऑब्वियसली आपने दिमाग में रखना आप डेफिनेटली ट्राई करो इम्प्रूव करने का अपनी पर्सनटाइल ट्राई करो इंप्रूव करने का बट ज्यादा फोकस रखो आप कैसे अपना मोर एंड मोर क्वेश्चन ड्यूरिंग द मॉक्स आप कैसे परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो मॉक में दैट इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट कम्पेयर टू योर मॉक परसेंटाइल मिस्टेक नंबर एट इज एंड दिस इज फॉर हु आर डूइंग देयर जॉब करेंटली दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लिविंग देयर जॉब फॉर प्रेपरेशन द लास्ट टू मंथ्स इन लास्ट टू मंथ्स में जॉब छोड़ना इज नॉट एडवाइजेबल लीस्ट फ्रॉम माई साइड देन इट्स योर डिसीजन बट आई विल एडवाइज यू नॉट टू लीव योर जॉब एट दिस स्टेज बिकॉज आप टू मंथ्स में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर लोगे आफ्टर लीविंग योर जॉब हाउवर जो एक चीज अफेक्ट हो जाएगा आपको वो है आपका स्ट्रेस लेवल जो है फॉर द कैट एग्जाम बिकॉज देन यू विल हैव नो बैकअप ऑप्शन टू गो टू एंड दैट्स वे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा कैट के लिए एंड ये जो एंशियसनेस आएगा ना दैट विल हर्ट यू इवन मोर कंपेयर टू द एक्स्ट्रा प्रिपरेशन दैट यू कैन डू इन दीज टू मंथ्स इसलिए आप हमेशा वो बैकअप ऑप्शन अगर आपके पास है दैट इज योर जॉब प्लीज कीप दैट इंटैक्ट अगर आपको जॉब छोड़ना ही है देर इज नो अदर वे देन इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते बट इफ यू थिंक दैट इट्स योर बैकअप देन कीप इट attempt the cat paper along with your job do not think about leaving your job at this point of time because if you have that backup your stress will be very very less compared to other candidates and that will definitely help you boost your percentile if you are less anxious during the exam so that was all from my side i hope you will follow this and do not repeat these mistakes this will help you save a lot of time and if you have any particular doubt for cat exam you can comment down below i will try to address it as much as possible and do subscribe before you leave and see you in the next one